गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग इस समय राजस्थान की जनजातियों पर चर्चा कर रहे हैं जनजातियों की चर्चा में हमने सबसे पहले राजस्थान की भील जनजाति के बारे में बात की उसके बाद राजस्थान की प्रमुख जनजाति मीणा के बारे में हमने चर्चा की और आज हम राजस्थान की प्रमुख तीसरी प्रमुख जनजाति गरासिया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे राजस्थान की ये तीनों जनजातियाँ प्रमुख स्थान रखती हैं हालांकि इसके बाद सहारिया जनजाति भी है और भी राजस्थान की कई जनजातियाँ हैं जो कि किसी न किसी रूप से अपने आप में प्रसिद्ध हैं गरासिया जन लोग अपनी उत्पत्ति का स्थल आबू बागड़ या छप्पन क्षेत्रों को मानते हैं गरासिया लोग अपने आप को भगवान शिव की संतान मानते हैं ये लोग अब पहाड़ों और घने जंगलों में निवास करते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं ये जंगलों में और अब तो शहरों में भी आ गए हैं और पढ़ाई लिखाई के असर के कारण से थोड़ा बहुत अब ये लोग आम जो मेन स्ट्रीम में भी अपने आप को शामिल करते हैं पर पुराने समय में ये जनजातियां हमेशा से ही जंगलों में निवास करती हैं राशियों में बैल को मारकर बैल को मारकर खाना निषेध माना जाता है हर जनजाति में हर धर्म किस किसी न किसी चीज का टैबू होता है उसी प्रकार से इनमें भी ये टैबू पाया जाता है जहाँ तक गोत्र की बात है हम लोग राजस्थान की जनजातियों के सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इस सोशल स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आएंगी तो गोत्र की बात है तो इनमें अपने आप को ये लोग भी राजपूत मानते हैं इसमें इसलिए इनके गोत्रों के नाम भी राजपूतों के गोत्रों के नाम पर आधारित हैं प्रत्येक गोत्रों के कई उपगोत्र भी पाए जाते हैं और जो गोत्र की उत्पत्ति एक जो उनके पूर्वज हैं उससे मानी जाती है एक गोत्र के विभिन्न उप गोत्र पाए जाते हैं जहाँ तक राजनीतिक संगठन की बात है इनका जो सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन है तो जो सामाजिक संगठन है इसमें ये लोग बिना किसी राजनीतिक सत्ता की सहायता के अपने आप को अपने जो सामाजिक संगठन है उसको संचालन करते हैं और राजस्थान में गरासिया तीन भागों में निवास करते हैं भाकर भील और पिंडवाड़ा भाकर का अर्थ होता है पहाड़ एक भाकर भाकर पत्थरों का जो पहाड़ है एक भाकर में चौबीस गांव होते हैं जो तीन भागों में बटे होते हैं जमुदी, उपली बोर और निचला खेजड़ा प्रत्येक गांव में नातेदारी के आधार पर दृढ़ता एवं एकता पाई जाती है जाति की अगर हम बात करें तो गरासिया लोग जाति के आधार पर दो भागों में बटे हुए होते हैं नान की न्यात और मोटी न्यात जिसको कि छोटी जाति और बड़ी जाति भी कही जाती है अगर हम परिवार की बात करते हैं तो गरासिया लोगों की सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति पाई जाती है इसमें एकाकी एवं संयुक्त तो दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं एकाकी जो परिवार होते हैं जो वो अपना खुद का सारा एक मतलब खुद का सारा भार वहन करते हैं और जो जटिल परिवार हैं जो जटिल परिवार हैं उनको होजवान कहते हैं और इनको हार्ली कहा जाता है ग्रासिया परिवारों में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक होती है पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को गांव के पंचों या वयोवृद्ध लोगों के द्वारा सभी पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता है ग्रासियाँ लोगों में विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह लड़के लड़कियों के लिए एक आवश्यक कर्तव्य माना जाता है जैसे कि सभी जाति में ये सब चीज़ विवाह माना जाता है विवाह से व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है गरासियों में पलायन विवाह की अधिकता है गरासियों में बाल विवाह की प्रथा बिल्कुल भी नहीं है विवाह के अवसर पर लड़की के पिता को लड़के वालों की ओर से दापा कन्या मूल्य दिया जाता है राशियों में एक विवाह एवं बहुपत्नी विवाह दोनों का ही चलन है ये उनके अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जैसा जिसकी मर्जी होती है उस प्रकार का करता है गरासिया लोगों में विवाह के कई प्रकार प्रचलित हैं उनमें कुछ इस प्रकार है मोर बंदीता ढोलवाला इतावरी विवाह मेलोवो विवाह सेवा विवाह नात्रा विवाह आटा विवाह बटाटा या तरना गरासियों के विवाह विच्छेद की प्रथा है जिसमें दोनों पक्ष तलाक ले व दे सकते हैं दापा लौटाने पर ही वह दूसरा विवाह कर सकती है जो स्त्री होती है वो तभी दूसरा विवाह करेगी जबकि वो उस दापा को लौटा देती है दापा मीन्स जो दहेज जिस समय लिया जाता है उस दहेज को उसको लौटाना पड़ता है राजनीतिक संगठन गरासिया जनजाति में नियंत्रण के लिए प्रथाओं का प्रचलन ज़्यादा है हालांकि मेन स्ट्रीम के कानून का प्रभाव अभी सभी के ऊपर लागू किया जाता है फिर भी जनजातियाँ अपने जो पंचों का या रीति रिवाजों का सामाजिक रीति रिवाजों की पालना ज़्यादा करती है उसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था होती है प्रत्येक गांव या जो पाटा होता है उसका एक जो प्रमुख होता है वो पटेल होता है जो जनजाति का मुखिया होता है जनजातियों में पंचायत विभिन्न गाँव के बीच झगड़ों को आपराधिक मामलों को आर्थिक मामलों को जाति से बहिष्कृत किए जाने मामलों की सुनवाई करती है और अपराधियों को दंड भी देती है मेले और त्यौहार ये भी सामाजिक संगठ सामाजिक संगठन का एक पार्ट है ग्रासिया लोग विभिन्न प्रकार के मेले व त्यौहार को मनाते हैं मेलों में ग्राम स्तर पर गोमेरो मेलो होता है जो कि वर्ष में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें जो आबातीन रंटा वालेव नवरात्रा दशहरा धनतेरस दिवाली काली क्योंकि ये भी हिंदू धर्म का ही प्रभाव यहाँ पर पाया जाता है तो इन पर जो है वो होली सभी प्रकार के जो प्रमुख हिंदू त्यौहार हैं उनको ये मानते हैं वस्त्र और आभूषण की अगर हम बात करते हैं तो वस्त्र और आभूषण में पुरुष जो है वो सिर पर पोतिया पगड़ी और शरीर पर झुलकी और धोती पहनते हैं औरत भी लंबी जाकेट पोल घाघरा चुन्नी ओढ़नी आदि पहनती है आर्थिक संगठन की अगर बात है तो ग्रासिया लोग भी राजस्थान की अन्य जनजातियों की भांति कृषि पशुपालन वन्य पदार्थों का जो पदार्थ होते हैं उनका संकलन आदि के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं ग्रासिया लोग स्थायी खेती के अतिरिक्त स्थानांतरित खेती भी करते हैं जिसमें कि खेती को एक बार जला दिया जाता है और उसके बाद वापस उसकी सफाई करके नए सिरे से, से वापस खेती की जाती है जिसको कि वो वतैरो कहते हैं ये लोग गाय भैंस बकरी भीड़ आदि को पालते हैं तो अभी हमने देखा कि जनजातियों के मोर ओवर सभी तीनों जनजातियों का जो प्रभाव है या सामाजिक संगठन है वो एक जैसा ही होता है इनमें कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है तीनों ही जनजाति कृषि पर आधारित हैं पशुपालन करती हैं दस्तकारी का कार्य करती हैं सभी में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक है और स्त्रियां भी अपने हिसाब से परिवार में सहयोग करती हैं सभी में विवाह की स्वतंत्रता है और बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा किसी भी जनजाति में नहीं पाई जाती है और किसी भी प्रकार की कुरीतियाँ नहीं पाई जाती हैं पंचों का प्रभाव है जातीय जो संगठन है वो भी दृढ़ता से पालन किए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो जनजातियाँ हैं वो भी जितनी भी भारत की जनजाति हैं वो अपने अपने भौगोलिक पर्यावरण के हिसाब से व्यवसाय करती हैं उस भौगोलिक पर्यावरण के हिसाब से अपना जीवन यापन करती हैं हालांकि जनजातियों में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं उन समस्याओं को देखते हुए जनजातियों के अगले चैप्टर में हम उनका जो सामाजिक उनकी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तब तक आप लोगों के लिए थैंक यू